अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, अभी मैं स्कूल से आई हूँ और आज जो है ना मुझे सैलरी मिली थी, तो मैंने जो है ना अम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करना था। यहाँ देखिए, अब मैं इतना खामोशी से जो है ना मैं जा रही हूँ अंदर, और अम्मी जो है ना बातों में लगी हुई अंदर सिस्टर के साथ। तो मैं जाती हूँ, आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, ख़ुद भी देखती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये लें, कहाँ बातों में लगी हुई हैं आप किसके साथ? ये सारी सैलरी जो ना अभी मैंने अम्मी को दे दी है इस मंथ की। अल्लाह तुम्हें बेटा 100 गुना ज्यादा दे परवरदिगार, मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह बहुत बरकत दे। देख लें, खाली तो नहीं है लिफाफा, प्रैंक तो नहीं हो गया आपके साथ? हाँ ये भी है। नहीं दिखाएं ना, लोगों को भी तो दिखाएं, ये क्या बात हुई? मेरे सब्सक्राइबर्स को तो दिखाएं, कहेंगे धोखा दे दिया, बताया नहीं। नहीं, नहीं है नहीं। देख लें, अभी अभी बैंक से निकलवा के लाई हूँ मैं कड़क माल। अल्लाह बरकत दे बेटा, परवरदिगार। हाँ भाई, तो क्या आपका रिएक्शन है आज? मैंने आपको पहले से सोचा होता इस दफ़ा सैलरी में मम्मी को दे दूंगी पूरी। हाँ तुम तो खैर मुझे हर मरतबा ही कहती हो। नहीं लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा देती थी, लेकिन इस दफ़ा सोचा था कि मैं आपको पूरा दूंगी, ताकि आप अपना खाना पीना और कपड़े वगैरह बनाएं। इंशाल्लाह जो है ना अब अपने लिए एक सूट भी लेके आऊँगी। मैं यही सोचती रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है ना, चलो और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, तो ये कि मैं अपने एक सूट भी लाऊँगी इंशाल्लाह, थोड़ा अपनी कोई दवाई वगैरह भी ले आऊँगी इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर भी करना है आपने? हाँ शेयर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, ये तो मेरी पूरी फैमिली है, सब्सक्राइबर जितने भी मेरे हैं, और अल्लाह ताला सारे बच्चे बच्चियों को बेटा अल्लाह और दे बरकत दे तुम लोगों के। जाहिर तुम जाती हो सुबह उठ के अपना स्कूल पढ़ाने जाती हो, तो ये बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं बेटा, तो अल्लाह ताला और बरकत दे तुम्हें। आमीन सुम्मा आमीन, और इसको डबल कर दे आमीन। देखो अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह के हाथ में हर चीज़ है। ये असल में मैंने अभी एक पहले वीडियो डाली ना कि हर चीज इंसान ने अपने हाथ में ली है, ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन कहते हैं ना माँ बाप को देने से तो बढ़ता ही है। बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत बढ़ता है, और माँ बाप की सुननी चाहिए बेटा, अल्लाह के बाद माँ बाप की सुननी चाहिए। सारे बच्चे बच्चियों को चाहिए वो अपने वालदैन का कहना माने और उनकी इज्जत करें, ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, कुछ हिस्सा जरूर जो है वो आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए अलग किया करें। हम सुन रहे हैं ना हदीस जो हमारे उलमा फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि औलाद भी वालदैन की और औलाद की हर चीज वालदैन की। हाँ जरूरी थोड़ी है कि लड़के ही माँ बाप का करेंगे, लड़कियाँ भी। बेटियों का भी कह रहे हैं, बेटियों का भी कह रहे हैं कि अगर बेटियाँ हैं तो बेटियों का भी सब कुछ वालदैन का ही है। कुछ लोग शायद समझते हैं कि मतलब अच्छा नहीं होता लड़कियाँ कमा के ला के दे पेरेंट्स को, तो ये अच्छी चीज, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो कर सकती हैं तो वो उनका हक है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बेटी को भी करना चाहिए, बेटे को भी करना चाहिए। मतलब शर्त नहीं है बेटी के लिए, लेकिन अगर वो कर करना चाहे या कर सकती है तो कर जरूर कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। ये सूट जो है ये मैंने अब दिखाया किसी को, मैं अम्मी से कह रही हूँ ये सूट मुझे दे दें आप। नहीं बेटा ये किसी को पसंद आया तो ये सेल करने के लिए मैंने, लेकिन अम्मी कह रही है तुम्हारे लिए दूसरे कलर्स में लाऊंगी, ये वाला कलर अच्छा नहीं है। देखो अब क्या होता है, क्यों ये कलर क्यों नहीं देनी है मुझे? नहीं मैं देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, अब ये तुम्हारी पसंद पे है, लेकिन ये कि ये किसी को पसंद आ गया तो मैंने तो वैसे ही तुम्हें पता सेल पे लगाया हुआ था ये सूट, तो पसंद ऐसे ही होता है, अच्छे अच्छे सूट सारे बेच देती हैं अम्मी, और गंदे गंदे मुझे कहती हैं वाले प्रिंट ले लो तुम। मेरा जो नज़रिया है ना बेटा वो ये है कि कुछ भी हो जाए वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, बस लोग सब्र भी थोड़ा करते हैं, परेशान हो जाते हैं भाई, अल्लाह ने तो सब कुछ करना है, आपने सिर्फ नमाज सब्र से और दुआ से अपना रखना है रब्ता, बस। ये मेरी बात कहाँ चली गई है, मैं तो सूट की बात कर रही हूँ आपसे। ये सूट पे सब्र करो, ये सब्र की बात यहाँ आई है इसलिए। हाँ ये सूट पे सब्र करो, क्या पता अल्लाह इससे भी डबल अच्छा दे दे मुझे। अल्लाह बेहतरीन देते हैं, बेहतर से बेहतरीन देते हैं, आपका गुमान बहुत अच्छा होना चाहिए, पता है बहुत अच्छा गुमान रखना चाहिए आपको। चले जी अल्लाह हाफिज कर दें, बस साथ ही मुझे इजाजत दें और दुआ कीजिए ये सूट सेल हो जाए। तो आप लोग को कैसी लगी अम्मी का रिएक्शन वीडियो भी थी और समझ लें एक तोहफा भी था। हाँ। तो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।